दोस्तों, पढ़ने बैठने से पहले हम ऐसा क्या करें जिससे कि हम नॉनस्टॉप लगातार स्टडी कर पाएं। पहली बात तो ये कि आज के इस वीडियो में मैं आपको कोई मंत्र या फिर कोई टेक्निक नहीं बताने वाला हूँ कि जिसे अप्लाई करके पढ़ के आप नॉनस्टॉप स्टडी कर सकते हो। मैं बात कर रहा हूँ माइंडसेट की, कि पढ़ने बैठने से पहले आप किस माइंडसेट के साथ में बैठते हो, ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि किस तरह से अपने माइंड को प्रिपेयर करें, किस तरह से अपने ब्रेन को प्रिपेयर करें नॉनस्टॉप स्टडी करने के लिए। सबसे पहले तो आपके माइंड में जो टेंशन है, एग्जाम्स का टेंशन, नंबर का टेंशन, उस टेंशन को निकाल दो। कई सारे स्टूडेंट कहते हैं कि टेंशन नहीं होगा तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी। दोस्तों, ये बात बिल्कुल गलत है। अपने इंटेलिजेंट का यूज़ करो। टेंशन लेने से आपके माइंड पर और आपकी बॉडी पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है, और उससे हम अपनी ब्रेन की जो एक्चुअल कैपेसिटी होती है उस पर कभी भी पहुंच ही नहीं पाते। इसलिए सबसे पहला जो स्टेप है वो अपने टेंशन को कम करो, पूरी तरह से रिलैक्स हो जाओ। उसके बाद जो माइंडसेट बनाना है उस पर हम आते हैं। आपको अपने माइंड में एक झूठ डालना है और उसी झूठ को आपको सच मानना है। प्रैक्टिस के साथ में ऑटोमेटिकली आप उस बात को सच मानने लगोगे। तो आपको अपने आप से बोलना है, यार मैं पढ़ने जा रहा हूँ, बहुत मज़ा आएगा। अब आपका माइंड हज़ार वजह ढूंढेगा कि मज़ा क्यों आएगा। मैं अपना रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। अभी कुछ दिन पहले शाम के टाइम पर मुझे पता चला कि लॉकडाउन की वजह से जो हमारे पेपर रुके हुए थे वो पेपर होने वाले हैं। जैसे ही मैंने खबर सुनी मुझे अचानक से टेंशन होने लगी, लेकिन इस बार मैंने तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, नंबर की मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं टेंशन बिल्कुल भी नहीं लूँगा, मज़े से पढ़ूँगा। क्योंकि फल डिपेंड करता है हमारे कर्म पर, और सिर्फ अपना पूरा फोकस कर्म पर लगाऊंगा। और जैसे ही मैंने अपने आप से ये चीज़ बोली, मैं एकदम से पूरी तरह रिलैक्स हो गया। अब मैंने अपने माइंड में एक चीज़ डाल ली थी कि अब मैं बिना किसी टेंशन के मज़े से पढ़ूंगा। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछता हूँ कि पढ़ना एक बोरिंग चीज़ क्यों है? क्योंकि सच में एक बोरिंग चीज़ है, लेकिन हमारे माइंड में सारा केमिकल लोचा हमारे माइंड में ही है। एक ही चीज़ किसी के लिए अच्छी होती है और किसी के लिए बुरी। वो ना तो अच्छी होती है और ना ही बुरी होती है। वो तो हमारे माइंड में उसकी जो डेफिनेशन सेट है उसके हिसाब से हम उसे अच्छी या फिर बुरी का दर्जा देते हैं। जैसे ही मुझे ये बात पता चली, मैं डायरेक्ट स्टडी करने नहीं निकल पड़ा। इस बार मैंने तय कर लिया था कि जब तक मेरा पूरा माइंड सेट सेट नहीं होगा तब तक मैं स्टडी नहीं करूँगा। मैं बार बार अपने आप से बोले जा रहा था, मज़ा आएगा, मज़ा आएगा, मज़ा आएगा, कल मैं स्टडी करूँगा, मज़ा आएगा, मज़ा आएगा, मज़ा आएगा। और जैसे जैसे मैं अपने आप से बोल रहा था, मेरी एक्साइटमेंट लेवल बढ़ती जा रही थी, क्योंकि मैंने इस बार इस झूठ को सच मान लिया था कि पढ़ाई एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है और कल जब मैं पढ़ूंगा तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। आपने वो डायलॉग तो सुना ही होगा, दाग लगने से अगर कुछ अच्छा होता है तो दाग अच्छे हैं। उसी तरह से किसी झूठ को सच मानने से अगर कुछ अच्छा होता है तो वो झूठ भी अच्छा है। अब मेरे माइंड ने कई सारे रीजंस ढूंढ लिए कि मज़ा क्यों आएगा। रीजन नंबर वन, सिर्फ 25 दिन तो स्टडी करनी है और उसके बाद तो मज़ा आ जाएगा। इस पूरे लॉकडाउन में माइंड में टेंशन थी कि बचे हुए जो पेपर्स हैं वो कब होंगे, होंगे या नहीं होंगे, उनके लिए स्टडी करें या नहीं करें। लेकिन अब वो टेंशन खत्म होने वाली है 25 दिन के अंदर अंदर। तो सिर्फ 25 दिन ही तो मेहनत करनी है, उसके बाद तो पूरी तरह से फ्री। रीजन नंबर टू, मैं स्टडी करने के लिए नई नई टेक्निक्स यूज़ करने वाला था। मैंने यूट्यूब पर कई सारी टेक्निक्स देखी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी इन्हें अप्लाई करूँ और देखता हूँ इनसे क्या होता है। तो मैंने भी वो अप्लाई करी और उनसे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मुझे मिले, और उनको यूज़ करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। और मैं तो क्या, दुनिया के हर इंसान का नेचर ही कुछ ऐसा है कि जब भी कोई इंसान कुछ नया करता है तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है, उसे बहुत मज़ा आता है। तो ये था रीज़न नंबर टू। और रीज़न नंबर थ्री, मैं पहले ही ये बात अपने आप से बोल चुका था कि मुझे इस बार बेहतर करना है। तो मैं ये देखने के लिए एक्साइटेड था कि मैं क्या बेहतर करने वाला हूँ। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि पहले ही मेरे माइंड में ये बात डाल चुका था कि बहुत मज़ा आएगा, मज़ा आएगा, मज़ा आएगा। मेरे माइंड ने ढेरों रीजंस ढूंढ लिए कि मज़ा क्यों आएगा, और जब अगले दिन मैं पढ़ने बैठा तो मुझे बहुत मज़ा आया। सच कह रहा हूँ दोस्तों, इतना मज़ा शायद ही मुझे कभी पढ़ने में पहले आया होगा। और जब मेरे साथ ये हुआ तो मैंने सोचा क्यों न इस चीज़ को मेरी YouTube फैमिली के साथ शेयर किया जाए। इन शॉर्ट, अगर एक लाइन में इस वीडियो को समअप करूँ तो पढ़ने बैठने से पहले हमें एक माइंडसेट बनाना है। हमारे माइंड में ये बात कतई नहीं होनी चाहिए कि दर्द होगा, पेन होगा, पढ़ाई में मज़ा नहीं है, बोरिंग चीज़ें। हमारे माइंड में ये झूठ डालना है कि बहुत मज़ा आने वाला है, मज़ा आने वाला है, मज़ा आने वाला है। अगर आपको मज़ा नहीं भी आ रहा होगा तो वो मज़ा आपको आने लगेगा धीरे धीरे। और दोस्तों, आखिर कब तक किसी भी काम को ज़बरदस्ती करते रहोगे? क्योंकि जिस काम को करने में आपको मज़ा आ रहा है उस काम में आपका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि आप उस काम में कभी थकोगे ही नहीं जिस काम में आपको मज़ा आ रहा है। और इस पढ़ाई को ज़्यादा सीरियसली ना लें, मज़े से लें, क्योंकि पढ़ाई आपकी ज़िंदगी नहीं है, एक ज़िंदगी का छोटा सा हिस्सा है और इसको मज़े से क्लियर करना है।
इसी सोच के साथ पढ़ो, पढ़ाई करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम आया हो, तो लाइक करें और हमसे जुड़ने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे आपको काफ़ी सारे मोटिवेशनल वीडियो, इंस्पायरिंग वीडियो, नॉलेजफुल वीडियो इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो मैं आपसे लेता हूँ अलविदा, गुड बाय दोस्तों, जय हिंद जय भारत।